उत्तर प्रदेश के बदायूं में शराब पिलाकर रुपए छुपाने का मामला सामने निकल कर आया है। बता दें कि पीड़ित ने अपनी जमीन को बेचकर वो पैसे इकट्ठा किए थे, जिसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने उसे शराब पिलाकर 50,000 रुपए छीन लिए। जब पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की तो आरोपियों ने परिवार वालों की जमकर पिटाई कर दी है और परिवार को के कई लोग इस घटना में घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अध्यापकों की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां के सरकारी स्कूल अब अध्यापकों के वेतन पाने का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जी हां, अध्यापक महीने में एक बार आकर पूरे महीने की हाजिरी लगाकर फरार हो जाते हैं और खानापूर्ति के लिए महज कुछ घंटे के लिए स्कूल को खोला जाता है और निर्धारित समय से बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते इस स्कूल के बच्चों को अब दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। ये पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के विकास खंड राजपुर क्षेत्र के इंद्रपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय बना है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में पीने के पानी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। रसोई घर व शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ कानपुर देहात से हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सत्यम, आपको बिल्कुल बता दूं कि पूरा मामला जो है कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक का है, जहां पर इस राजपुर ब्लॉक का एक इंद्रपुरा गांव है और वहां पर ही प्राथमिक विद्यालय बना है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और दो शिक्षा मित्र, यानी कि चार अध्यापक हैं। लेकिन विद्यालय में अगर बात की जाए कि कोई पढ़ाने पहुंचे, तो ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सपना रह गया है, क्योंकि यहाँ कभी भी विद्यालय में अध्यापक नहीं पहुंचते हैं। प्रधानाध्यापक महीने में एक बार पहुंचते हैं और महीने भर की अपनी प्रेजेंटी जो है रजिस्टर में मेंटेन करके निकल जाते हैं। शिक्षा मित्रों के भरोसे यहाँ का विद्यालय, लेकिन वो भी महज घंटे दो घंटे के लिए पहुंचे और बिना पढ़ाए ही वहां से लापता हो गए। सरकार के एजेंडे में जितनी मुख्य चीजें हैं, चाहे शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने की बात हो या स्वच्छता मिशन की बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो, इस प्राथमिक विद्यालय में हर वो एजेंडा जो सरकार के मुख्य धारा में है, जिसे वो बेहतर करना चाहती है, उन सभी का जो है मजाक उड़ता नजर आ रहा, खिलवाड़ उनके साथ हो रहा है। बच्चे की बात करी जाए तो गांव के लोग अपने जो बच्चे हैं वो दूसरा जो गांव है जमालपुर, वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर प्राथमिक विद्यालय बनाया और यहाँ अगर चार अध्यापक है बात की जाए, तो कम से कम दो से 2.5 लाख रुपए उनकी मंथली सैलरी होगी सभी अध्यापकों की मिला करके। लेकिन इस 2.5 लाख सैलरी और करोड़ों के बजट से जो विद्यालय बनाया गया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सरकार के मंसूबे उनको फेल करता नजर आ रहा है। जी गौरव, इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? देखिए सत्यम, जिस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे, उन्होंने हमसे बात करी थी और इस पूरे मामले को हमने उठाया था, लेकिन उनका वही रटा है जवाब था कि बीओस से हम जांच कराएंगे, जांच के बाद स्पष्टीकरण मांगेंगे। लेकिन महज स्पष्टीकरण मांगने से जब तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, कई बार लगातार हमने खबर दिखाई और हमने इस इंद्रपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ उस विद्यालय की भी बात उठाई थी, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से अपने मुख्य कार्यक्रम बात सरोकार की में उठाया था, आयरन गढ़ेवा गाँव का। लेकिन अभी तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो उन अध्यापकों पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, मात्र वही स्पष्टीकरण नोटिस दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जो कहीं ना कहीं नजीर बने और वो अध्यापक जिम्मेदारी से विद्यालय पहुंचे? अगर इन विद्यालयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ाना नहीं चाहते, तो उन्हें सस्पेंड करें, निलंबित करें, जिससे इस पूरे अधिकार को जो चाहता है पढ़ाना, बच्चों के भविष्य का बनाना चाहता है दूसरा अध्यापक, उसे नौकरी मिले। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने, जिससे गांव की, जिले की और कहीं ना कहीं विद्यालयों की तस्वीर बदले। जो आज बच्चे जो कहती है सरकार की देश का भविष्य बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से काम हो जो देश का वाकई भविष्य जो है वो बच्चे बने। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।